दोस्तों, लागत के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। और देखिए, मैंने आपको लिखा हुआ भी है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये बीए बीकॉम में भी आते हैं। फर्स्ट ईयर में, कौन सी ईयर में? फर्स्ट ईयर में आते हैं और 11th क्लास के तो है ही है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन जो पूछता है ना, वो ज्यादा इस टाइप के पूछता है जिसमें कह रहा है फिलअप करने होते हैं आपको, कि जो जो प्लेसेस खाली है यहाँ पे इनको आपको हमें फिल करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, पहले इन दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारे पास देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वांटिटी एक फिर कुछ नहीं, तीन फिर डैश, ऐसे ही इस तरह से ये दिए हुए हैं। अब आपसे फिल कैसे करोगे? बच्चे करते हैं इस तरह से, यानी इस तरह से वर्टिकल फॉर्म में इसको फिल करने की कोशिश करते हैं कि पहले एक को करेंगे कॉलम को, फिर दूसरे को, तीसरे को, ऐसे आपको नहीं करना है। आपको हमेशा हॉरिजॉन्टली फॉर्म में आपको ये करने हैं, यानी इस तरह से आप पूरे एक एक करके कंप्लीट करते हुए चलोगे तो आपका आंसर एकदम सही आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट, जल्दी भी हो जाएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले देखो ये क्यू, यानी आपका जो क्वांटिटी है वो एक है, वहां पे टीबीसी कितनी है 10, तो एबीसी कैसे निकलता है? फॉर्मूला तैयार होना चाहिए दिमाग में, एबीसी होता है टीबीसी अपॉन में क्यू, तो 10 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा। और एमसी कैसे निकलता है? टीबीसी को घटा के टीबीसी एन में से टीबीसी एन माइनस में घटाना है, 10 में से ऊपर घटाओगे क्या ऊपर गया 0, तो क्या आएगा 10 ही आएगा। यानी आज हम इसमें भी एक चीज सीख रहे हैं कि पहले यूनिट पे, फर्स्ट पे, जीरो पे नहीं, या फिर क्वेश्चन नंबर 4-5 से स्टार्ट है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो उस पे भी नहीं कह रहा हूं, मैं पहले पे कह रहा हूं। इस चैप्टर में पहले पे एबीसी, टीबीसी, एबीसी और एमसी तीनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। प्रोडक्शन में क्या था? फर्स्ट यूनिट पे एपी, टीपी और एमपी तीनों इक्वल होता है। यहाँ पे कौन इक्वल होता है? पहले यूनिट पे टीबीसी, एबीसी और एमसी। टीसी इक्वल नहीं मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? टीबीसी, एबीसी और एमसी। तो पहली वाली क्लियर होगी। सेकंड आता है, अब मुझे टीबीसी निकालना है। दो तरीके निकालने के, एक तो 10 में 6 जोड़ोगे, क्योंकि टीबीसी का फॉर्मूला था सिग्मा एमसी, तो 10 में 6 जोड़ोगे कितना आएगा? 16 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। अब दूसरा तरीका क्या था? अगर मान लो यहाँ पे क्वांटिटी आपको गिवन होती है, वैसे पता सब बच्चों को पता होता है कि 1, 2, 3, 4 ही आना है, बट मान लो अगर क्वांटिटी यहाँ पे 2 होती है तो कैसे निकालते हैं? 8 × 2 = 16, बट यहाँ पे 2 नहीं दिया है, तो ये कैसे निकालते हैं समझा देता हूँ आपको। वैसे आप 1, 2, 3, 4 लिख सकते हो, ठीक है, कैसे लिखोगे? देखो, हमें पता है कि एबीसी निकालने का फॉर्मूला था टीबीसी अपॉन में क्यू, तो मुझे अगर क्यू निकालना है तो टीबीसी को ये वहां डिवाइड हो जाएगा, एबीसी से डिवाइड कर दो, तो टीबीसी कितना है 16, एबीसी कितना है 8, तो कितना आ जाएगा 8 × 16, यानी आप इसे भी कैलकुलेट कर सकते हो और करना चाहो तो। डन, आगे बढ़ते हैं। एबीसी निकालने के लिए टीबीसी को क्यू से डिवाइड करते हो, 3 × 9 = 27, यहां पे आता है 27 में से 16 गए कितना आएगा 11 आ जाएगा, ये भी आपका क्लियर हो गया। देन यहां बढ़ते हैं, 27 + 13 कितने होते हैं 40 हो जाएगा यहाँ पे, और वही तरीका टीबीसी को एबीसी से डिवाइड कर लो तो यहाँ पे क्या जाएगा 4 आ जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था, आप इसी तरह से इसको सॉल्व करते चले जाओगे तो आपका आंसर सबसे एक्यूरेट तरीके से जल्दी आएगा। पहला हो गया, इस पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्या है, क्वांटिटी गिवन है सारी, इस यहाँ कोई मिस नहीं है फिगर, उसका ध्यान देखते हैं। टीसी, एबीसी, एमसी और एबीसी में ना बहुत जगह फिलअप है, इनको ना जो खालिस्तान आपको दिए हुए हैं तो आपको फिल करने हैं, एम्प्टी प्लेसेस है। अब आप क्या करोगे? सबसे पहले देखो यहाँ पे जीरो पे जो टीसी होती है वो आपकी टीएफसी होती है। अगर मान लो क्वेश्चन जीरो से स्टार्ट नहीं होता, देखो यहाँ पे तो जीरो दिया है, तो मुझे पता है कि भाई टीएफसी सीधी सीधी निकल सकती है कितनी, 30 30 30 30 हो सकती है। मगर अगर बाय चांस अगर जीरो नहीं दिया होता यहाँ पे, तो हम क्या करते? AFC यहाँ पे दिया हुआ 6 पे कितना दिया है, सॉरी 5th यूनिट पे 6 दिया है, तो AFC को देखो पता है कि TFC निकालने के लिए AFC को Q से गुणा करते हैं, तो 6 × 5 = 30, 1 30 निकाल दो तो सारे क्या जाते हैं 30 हो जाते हैं। डन, तो TFC आपका निकल चुका है। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान देना, जैसे TFC निकला तो AFC निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप क्या करोगे डिवाइड कर दोगे, सिंपल क्या कर दोगे, सिर्फ डिवाइड TFC को Q से डिवाइड करो, AFC निकल जाएगा। तो निकालते हैं, 30 / 0 क्या आएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, इसमें करोगे तो 30 हो गया, 2 से डिवाइड करोगे तो 15 हो गया, 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 10 आएगा, 4 से करोगे कितना आएगा 7.5, ठीक है।
और उसको तो दिया है, तो आपका ए एफ सी कंप्लीट, टी एफ सी से ए एफ सी निकल चुका है, ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब आपको टी सी निकालना है, ए बी सी निकालना है, एम सी निकालना है। आगे बढ़ते हैं, देखो मैंने कहा एक काम करते हैं, यहाँ पे मुझको ए बी सी दिया हुआ है, मैं यहाँ पे मैं टी बी सी भी लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ, टी बी सी भी लिख लेता हूँ साथ में। अब ध्यान देना, जीरो पे ये 30 था, ये 30 था, तो मैंने कहा मुझे फॉर्मूला पता है कि टी सी इक्वल टू होता है टी बी सी प्लस टी एफ सी, ये फॉर्मूला होता है, मुझे निकालना है टी बी सी, तो टी एफ सी यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 30 में से 30 का कितना आएगा, जीरो, ये क्लियर हो गया। देन यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे कितना है 30 है, तो इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे, अगला फॉर्मूला हमारा लग जाएगा टी बी सी इक्वल टू सिग्मा एम सी, यानी जोड़ते चले जाओ, तो 0 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 आ गया हमारा टी बी सी सेकंड में, हमारा कितना है 20। ध्यान देना इस वाले फील्ड में वही पहला वाला खत्म था हमारा, निकल चुका था, इस वाले पे बात कर रहे हैं, टी बी सी हमारा 20 आ चुका है, ये गिवन है, ये हो चुका है, ये सॉल्व हो चुका है। अब ए बी सी कैसे निकलेगा, 20 डिवाइड बाय 1, टी बी सी को क्यू से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ए बी सी भी निकल गया। अब टी सी कैसे निकलेगा, आपका फॉर्मूला वही, टी सी निकालने के लिए टी बी सी प्लस टी एफ सी, तो टी बी सी प्लस टी एफ सी 30 प्लस 20 कितना आएगा, 50। तो पहली और दूसरी की आपकी लाइन कंप्लीट होती है। तीसरे पे आते हैं, टी सी दिया है 68, टी एफ सी दिया है 30, तो इसमें से 30 जाएगा कितना आएगा, 38, ये कंप्लीट हो गया। अब क्या निकालना है, ये दो चीजें निकालनी है, टी बी सी को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, ए बी सी आता है, 19 आ जाएगा। अब रह गया एम सी, कैसे निकलता है, घटा के कितना आएगा, 18, तो आपकी तीसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई। याद ना इस तरह से सॉल्व करो, ऐसे सॉल्व मत करना से, ठीक है। नाउ हमारे पास ये 84 टी सी, टी एफ सी मेरे पास कितना है 30, तो घटाओ 84 30 के कितना आएगा, 54, ये कंप्लीट हो गया। ये निकालना है वही तरीका, 54 में से 38 गया 6 और 116, ये भी आ गया, देखो कितने इजीली सॉल्व हो रहा है, लाइन बाय लाइन। अब यहाँ पर आए तो ये नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, एमसी दिया हुआ मुझे, तो मैं क्या करूंगा, 54 में ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, 54 में 18 जोड़ूंगा, कितना होता है 72, टीबीसी निकल गया, टीबीसी निकलते ही टीबीसी प्लस टीएफसी इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या निकलेगा, ये कितना आ जाएगा, 2 का 2 और 7 3 10, 102 आ गया। अब रह गया एबीसी, इसको डिवाइड करिए किससे, 4 से, तो 72 को करो कितना आएगा, 4 1 4 3 4 8 32, ये वाली आपकी लाइन भी कंप्लीट। फिफ्थ मिनट में चलते हैं, 4 भी कंप्लीट हो गई है। 125 माइनस 30 कितना आएगा, 95, कंप्लीट हो गया। 95 में से 72 गए, 3 और ये कितना आ गया, 2 23, तो आपका ये भी कंप्लीट होता है। तो दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। देखो अभी दोबारा बोल रहा हूँ, आप क्वेश्चन ऐसे मत करना, अगर ऐसे बोलो कंफ्यूज हो जाओगे कैसे इसे सॉल्व करना, आप ऐसे सॉल्व करिए इसे, ठीक है। एक क्वेश्चन होगा, दो क्वेश्चन होगा, आपसे आदत पड़ जाएगी यार, आप बहुत इजीली सॉल्व होने के, क्या होंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो तीसरा क्वेश्चन करते हैं, तो दोस्तों अब आपके पास ने 3 क्वेश्चन आपके लिए और रख दिए, 1 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल हटके हैं, सभी क्वेश्चनों से हटके, तो उसे लास्ट में कराऊंगा, आप पहले दोनों क्वेश्चनों को देखिए। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आपको ए एफ सी निकालना है, टी एफ सी आपको सिर्फ एक ही गिवन है 50, उसके बाद टी बी सी निकालना है और एम सी निकालना है, तो आप क्या करोगे, वही तरीका, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बट उससे पहले टी वी एफ सी को आप फिल कर सकते हो पहले, जैसे हमेशा करते हैं, तो एक बार 50 दे दी तो हमेशा क्या होगी, 50 होगी, तो उसको आप फिल कर सकते हो इस वाली को बस, ठीक है ना। और इससे आप ये बना सकते हो, ये क्योंकि ये है सीधे सीधे निकलने वाली चीज है, दोनों आइटम क्या है बिल्कुल सीधी सीधी निकलने वाली, तो डिवाइड कर लीजिए इसको पहले एक बार, कितना आएगा, 59 50 25 16.67 और 12.5। देन ये बिल्कुल सीधे सीधे कॉलम है। अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखो कैसे करना हमें, ये हमें टी एफ सी दिया हुआ है, ये हमें क्या दिया हुआ है, टी एफ सी दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखो जीरो पे तो इनको छोड़ देते हैं, डेन एस, देन ये टेन है, टी बी सी इज इक्वल टू क्या होता है,
सिग्मा एम सी, यानी एम सी को जोड़ते हुए चले जाओ, तो 0 प्लस 10 कितना आएगा, 10 ही आएगा, पहला कंप्लीट हो गया। देन ये कैसे निकलता है, 18 में से 10 गया कितना आएगा, 8 आएगा। उसके बाद 18 प्लस 6 कितना होता है, 24 होता है। और 20 में से अगर 24 घटाओगे तो देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है, 20 में से 24 घटाओगे तो इस बार माइनस का आ रहा है और कितना आएगा, 4। बड़ा इजी क्वेश्चन है, 3 से 4 नंबर का आपके 11th क्लास और 5, 7 या 10 नंबर में आता है बी ए बी कॉम में। देन इसमें पहुंचते हैं, यहाँ पे क्या है, टी सी 0 पे गिवन है मुझे, ए एफ सी कैलकुलेट करना, एम सी कैलकुलेट करना और ए बी सी कैलकुलेट करना, वही तरीका। 0 पे जब दिया होता है तो हमारी टी एफ सी होती है कितना, 30 30 30 30 और 30। ठीक है, अगर क्वेश्चन में 0 ना भी गिवन होता तो वही ट्रिक, ये आपको 30 दिया है तो 30 बन जाए 30, तो हमेशा 30 होते हैं। ये भी नहीं दिया होता तो यहाँ से जैसे था 10 3 30, फिर दोबारा 30 हो जाते हैं, या 6 5 30 तो भी 30 हो जाते हैं। यानी आप टीएफसी कैसे भी कैलकुलेट सकते हैं, 0 पे दिया होगा टीएफसी से कैलकुलेट कर लो, कोई ना कोई कैलकुलेशन ऐसी बन रही होगी जिससे एएफसी टीएफसी कहीं ना कहीं निकल सकता है, तो उसे भी टीएफसी पूरा कैलकुलेट हो जाता है। या फिर क्वेश्चन में ऊपर कोई लाइन होगी स्टेटमेंट उसमें गिवन होता है, क्योंकि बच्चे स्टेटमेंट नहीं पढ़ते, मैक्सिमम खाली क्वेश्चन देखते हैं, कहते निकलता नहीं है, पूरी बार स्टेटमेंट तो पढ़ी है, कई बार स्टेटमेंट में ऐसी बात लिखी होती है जिससे कुछ ना कुछ निकल रहा होता है। ठीक है, तो आपका एक कैलकुलेट हो गया, ये दोनों बिल्कुल सीधे आप कैलकुलेट कर सकते हो, 0 से डिवाइड करोगे इनफाइनाइट आ जाएगा दोबारा, ये आ गया 15, 4 से करोगे तो 7.5, ये दो तो सीधे सीधे निकल गए। अब इन पे चलते हैं तीनों पे, तो सबसे पहले यहाँ पे तो 0 पे एबीसी एमसी क्या है, डैश डैश कॉलम बना लोगे आप अपने पास टीबीसी का, क्या बनाओगे, टीबीसी का कॉलम। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला आपके पास क्या है, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीबीसी, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीबीसी, निकालना क्या है टीबीसी, ये वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस कौन टीएफसी, तो 30 में से 30 के ये भी डैश ही रहेगा। डन, आगे बढ़ते हैं, फिर मेरे पास फॉर्मूला देखो क्या निकालना है मुझे, एक ए निकालना है, मुझे एक ए और एक ए निकालना है, तो इससे तो निकल नहीं सकता, तो क्या करेंगे, टीबीसी जो होता है वो होता है सिग्मा एमसी, तो टीबीसी इज इक्वल टू सिग्मा एमसी, ने एमसी को जोड़ो तो 0 प्लस 25 कितना आ गया, 25, 25 आ गया। जैसे 25 आया तो मुझे पता है टीबीसी प्लस टीएफसी, 25 प्लस 30 इज इक्वल टू टीसी, 55। ये वाली लाइन आधी क्लियर हो गई, ये रह गया बस। अब हम क्या करेंगे, 25 को टीबीसी को अगर मैं क्यू से डिवाइड कर दूं तो क्या निकलता है, एबीसी निकलता है, तो 25 डिवाइड बाय 1 कितना आएगा, 25। ये दो लाइन अभी कंप्लीट हो गई। तीसरी लाइन में चलते हैं, 78 माइनस 30, 78 इवन वहां जाके टीएफसी माइनस हो गया तो 30 कितना हो गया है, 30 नहीं 7 में से 3 के 4 में 4 और 8 48 आएगा। ये क्लियर हो गया। एमसी निकालने के लिए टीबीसी एन में से टीबीसी एन माइनस 1 घटा रहा है, तो 48 में से 25 घटा हुआ, तो 8 में से 5 के 3 और 4 में से 2 के 2। डन, यहां पे आते हैं, टीबीसी को Q से डिवाइड करो तो 48 को 2 से करोगे कितना आएगा, 24। तो आपकी तीसरी लाइन भी कंप्लीट होती है। आगे चलते हैं इस वाले पे, यहाँ पे आपको एबीसी गिवन है, क्या गिवन है, एबीसी, तो एबीसी क्यू वहां जाएगा मल्टीप्लाई करते, क्या निकल जाएगा, टीबीसी निकल जाएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 और 3 2 6 69 आ गया। अब निकालना मुझे ये दोनों चीजें, सबसे पहले तो 69 में से 48 घटाओ, 69 में से 48 घटाओगे तो 1 और 2 21 आएगा, 21 आपका आपका आ गया एमसी, 21 आपका आंसर आ गया एमसी। अब आपको क्या चाहिए इस लाइन में, आपको चाहिए टीसी, टीसी कैसे निकलेगा, टीएफसी प्लस टीबीसी, टीबीसी और टीएफसी दोनों को जोड़ो, यह आएगा 9 का 9 और 6 और 3 कितना होता है 9। डन, तो ये आपकी ये वाली लाइन भी कंप्लीट होती है। अब आते हैं इस वाले लाइन पे, ये निकालना है 1 2 और 3, हम क्या बोलेंगे, टीबीसी इज इक्वल टू सिग्मा एमसी, जोड़ो से 9 और 3 12, 6 और 2 8 और 1 9, 92 आ गया। जैसे 92 आया अब आप क्या करोगे, T
टीवीसी प्लस टीएफसी इन दोनों को जोड़ के निकाल सकते हो, कैसा आएगा? 2 का 2 और 9 और 3 12, 122 हो गया। ये कैसे निकलेगा? फॉर्मूला वही, टीवीसी को क्यू से डिवाइड कर दो, तो 92 को किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करोगे, 4 2 8, 4 3 12, 23। अब रह गए लास्ट, क्या रह गया? लास्ट रह गया इसमें 150 टीसी दिया हुआ है, टीएफसी दिया हुआ है आपको 30, तो 150 से 30 के क्या निकल जाएगा? टीवीसी यानी 120। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? एमसी घटा के देखो कितना आएगा, 2 का 2 नहीं, तो घटा के देखो 10 में से 2 गए 8, ठीक है, और फिर कितना बचा आपके पास? 11 से 9 गए 2, 28 बच रहा है, ठीक है। यहां ध्यान देते हैं एबीसी कैसे निकलेगा, डिवाइड करके डिवाइड करो जरा से कितना आएगा, 5 2 10 और 5 4 20, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर होता है। अब बात करते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात। अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है कैलकुलेट करो एमसी और निकालना एबीसी। मैं साफ साफ लिख देता हूं क्वेश्चन की बात, कह रहा है कैलकुलेट करो एमसी और एएफसी, आपको गिवन है क्वांटिटी, जीरो पे कुछ नहीं दिया है टीवीसी यानी डैश है वहां, ये 1600 दिया हुआ है, टीएफसी आपको गिवन है 500, और कैलकुलेट कह रहा है एमसी और एएफसी निकालो, क्या निकालो? एमसी और एएफसी। ये क्वेश्चन सबसे अलग क्यों है ध्यान देना, यहां पे क्वांटिटी जो है देखो 0 का 1 1 केवल 2 अब तक आप पढ़ रहे थे, अब क्या आ गया? डिफरेंस आ गया, क्या है यहां पे? 4 पे डिफरेंस है, हाँ ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझते हैं। देखो सबसे पहले टीएफसी 0 पे 500 है, तो ये भी क्या होगा? 500, ये तो सीधा सीधा फिल हो गया। टीएफसी से एएफसी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ डिवाइड करना होता है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है एएफसी का टीएफसी अकाउंट में क्यू, तो 500 डिवाइड बाय 0 फाइनल, 500 डिवाइड बाय 1 500, और इससे करोगे कितना आएगा? 100। ये भी कोई दिक्कत, 0 पे कुछ नहीं दिया, होता भी नहीं कुछ भी। अब निकालना है एमसी, एमसी कैसे निकलेगा? एमसी निकलता टीवीसी से, तो 0 पे तो डैश, 400 में से 0 का कितना आएगा? 400। अब बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे 1600 में से 400 घटा के आंसर लिख देते हैं, बिल्कुल गलत है। फॉर्मूला देखें एमसी का, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है टीवीसी एन में से टीवीसी एन माइनस वन घटाया जाए, ये हम आपको पढ़ाते हैं, ये सभी टीचर आपको पढ़ाते हैं, बुक में भी यही होता है, मगर इसको अगर पूरा फॉर्मूला देखिए ना, तो फॉर्मूला पूरा होता है टीवीसी एन में से टीवीसी एन माइनस वन घटाना, नीचे होता है क्यू एन में से क्यू एन माइनस वन भी घटता है। तो अब तक क्यों नहीं बताया? ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी तक क्या होता था, 0 1 2 3 4 एक सीक्वेंस होता था, तो आप कभी भी क्यू एन ए नहीं, जैसे मान लो आपके पास 1 2 3 4 ऐसे है, तो क्यू एन में से क्यू घटाओगे तो 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, यानी हमेशा 1 आता था नीचे, तो 1 का तो कोई फर्क पड़ता नहीं था, तो हम हमेशा ऊपर वाले फॉर्मूले को यूज करते थे। बात सुन भाई, हमेशा जो क्वांटिटी होती वो सीरियल नंबर होती थी, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी देखो क्या है, 1 में से 0 गया 1 ही बच रहा है, हमने यहाँ पे कुछ नहीं देखा, सीधा सीधा घटा के निकाल दिया आंसर। बट जैसे ही आपको आपको लगता है कि 1 के बाद 3 आता सीधे क्वेश्चन में, तो एक वहां पे फर्क पड़ता है, बीच में 2 का गैप पड़ रहा है, क्वांटिटी में देखना, ठीक है। और अगर मान लो क्वेश्चन नंबर ऐसे दिया हो 1 2 3 4 5 6 7 6 के बाद सीधा 9 दे देता है या 11 दे देता है, कुछ ऐसा देता है कि जिसमें क्वांटिटी में गैप आ रहा था, आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे। अरे ये फॉर्मूला क्या कह रहा है? ये फॉर्मूला कह रहा है आपको कि पहले तो आप वही घटे जैसे घटा देते हैं, तो 16 माइनस 400 अपॉन में 5 माइनस 1, यानी ये भी इस बार कंसीडर करना पड़ेगा आपको। तो आंसर कितना आया? ये आया 1200, बच्चे 1200 लिख करके आते हैं गलत हो जाता है, पूरा देखना 5 में से 1 गया 4 और 4 3 12, यानी आंसर आएगा आपका 300। ये वाला फॉर्मूला याद रखना, प्रोडक्शन वाले में भी अप्लाई होता है, बट अगर प्रोडक्शन अगर ऐसा हो तो आपके बुक में नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन प्रोडक्शन के लिए, वरना वहां पे भी जैसे आपको एमपी निकालना होता है, तो एमपी का फॉर्मूला क्या था? टीपी एन में से टीपी एन माइनस वन घटाना होता है, वहां भी सेम वही सीक्वेंस है, वहां भी एल एन में से एल एन माइनस वन होता है, बट वहां पे क्या ये चीज जो है ना, ऐसा कोई फॉर्मूला भी ऐसी चीज वहां पे अप्लाई है भी नहीं, बट इस चैप्टर में है, और इससे अगला जो चैप्टर हम करने जाएंगे उसमें भी ऐसा आएगा जहाँ पे आपको क्वांटिटी को भी कंसीडर करना ही पड़ेगा, ठीक है।
तो दोस्तों देखो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई भी क्वेश्चन अगर कॉस वाले चैप्टर से, चाहे बीए बीकॉम के बच्चे हो चाहे इलेवंथ क्लास के बच्चे हो, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ से अगर आती है, कोई अगर आप क्वेश्चन करते हो उसमें दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसको बिल्कुल सॉल्व करके आपको दे देंगे। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लगता है कि सॉल्व नहीं, आपको वीडियो चाहिए उसके ऊपर, हम वीडियो भी बना देंगे। बट प्लीज ठीक है, ट्राई करना क्वेश्चन और मुझे बताना कि कैसे आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन निकल गए। तब तक के लिए थैंक यू।